हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, माय सेल्फ संतोष राणा। आज मैं जेपीएससी के अंतर्गत झारखंड का इतिहास का सामान्य परिचय बतलाने के लिए जा रहा हूँ। ये जो टॉपिक है हूबहू झारखंड जेपीएससी के सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन इसका अध्ययन बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आपके अध्ययन को एक नया दिशा देगा और एक तरह से ये गूढ़ मंत्र है, सफलता का राज इसमें छुपा हुआ है इस टॉपिक के अंतर्गत। ठीक है, तो इसका अध्ययन बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस टॉपिक में हम लोग झारखंड के इतिहास को झारखंड के भूगोल से और झारखंड के भूगोल को झारखंड के इतिहास से जोड़ने का काम करेंगे। इससे क्या होगा कि आपका कंसेप्ट क्लियर होगा और फिर किसी भी टॉपिक को का अध्ययन आप जब करेंगे जेपीएससी के टॉपिक का, तो आपको बहुत ही सहूलियत इसमें मिलेगी, बहुत ही ईजी वे में आप चीज़ों को समझेंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देखे होंगे कि झारखंड लोक सेवा आयोग का ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं वो तथ्य आधारित होते हैं, फैक्ट्स उसमें अधिक होते हैं, कंसेप्ट कम होते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर फैक्ट्स को ठीक से याद रखने के लिए आपको अपना कंसेप्ट बनाना होगा और वो कंसेप्ट देगा आज का क्लास। तो इसलिए इस क्लास को ठीक से समझें और जानें। ठीक है, ये हूबहू टॉपिक में तो नहीं है, मैंने जैसा कि पहले बतलाया, लेकिन फिर भी इसका अध्ययन बहुत ही ज़रूरी है और तब आप इसके बाद किसी भी टॉपिक का अध्ययन करेंगे बहुत ही आसान आपको मालूम होगा, क्योंकि चीज़ों को आपको परमानेंट मेमोरी में भेजना होता है। कोई भी चीज़ को अगर हम शुरू में पढ़ते हैं या किसी के बारे में जानते हैं तो वो हमारा टेम्प्रोरी मेमोरी में जानता है, और परमानेंट मेमोरी में जाने उसको भेजने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, या तो बार बार पढ़ना पड़ता है, साथ ही साथ हमें कंसेप्ट बनाने होते हैं। तो यहाँ इस टॉपिक से आपका कंसेप्ट बनेगा, ठीक है। और इसके बाद मैं जो बतलाऊंगा वो छोटे छोटे टॉपिक्स में चीज़ों को और छोटा छोटा वीडियो में चीज़ों को मैं बतलाने का प्रयास करूंगा, वो आपके लिए ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं झारखंड का इतिहास से। झारखंड का इतिहास को अलग अलग टॉपिक्स में डिवाइड करके हम लोग अध्ययन करते हैं। सबसे पहले टॉपिक्स को हम लोग समझेंगे सीक्वेंस में, क्योंकि सीक्वेंस में ही पढ़ना सबसे महत्वपूर्ण होता है। आप इतिहास को या किसी भी चीज़ को बिना सीक्वेंस का पढ़ते हैं तो क्या होता है कि आपको बहुत अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है उन चीज़ों को आपको दिमाग में रखने के लिए। ठीक है, तो इसमें हम लोग सबसे पहले नंबर वन पढ़ेंगे झारखंड का नामकरण, उसके बाद प्रागैतिहासिक काल में झारखंड, फिर झारखंड से संबंधित पुरातात्विक स्रोत, नेक्स्ट झारखंड से संबंधित साहित्यिक स्रोत, उसके बाद झारखंड का प्राचीन इतिहास। तो इतिहास में तीन भाग में इतिहास को डिवाइड करके हम लोग अध्ययन करेंगे, झारखंड का प्राचीन इतिहास, झारखंड का मध्यकालीन इतिहास, फिर झारखंड का आधुनिक इतिहास। देखिए, इतिहास को भी तीन भागों में विभाजित किया जाता है, प्राक इतिहास, आद इतिहास और इतिहास। प्राक इतिहास किसे कहते हैं? इतिहास का वह कालखंड जिसके विषय में हमें किसी प्रकार का लिखित जानकारी उपलब्ध नहीं है, वो प्राक इतिहास कहलाता है। आद इतिहास किसे कहते हैं? इतिहास का वह कालखंड जिसके बारे में हमें लिखित जानकारी उपलब्ध तो है परंतु उसे पढ़ा नहीं जा सका है, तो आद इतिहास। और इतिहास का वह कालखंड जिसके विषय में हमें लिखित जानकारी उपलब्ध है और जिसका अध्ययन हम कर पाए हैं, तो इतिहास उसे हम लोग कहते हैं, और उसी इतिहास का हम लोग अध्ययन करेंगे। और इतिहास किसी क्षेत्र का होता है, या फिर आप दुनिया का इतिहास पढ़िए, भारत का इतिहास पढ़िए, या किसी दूसरे अमेरिका का इतिहास पढ़िए, या इंडिया के अंतर्गत आप झारखंड का इतिहास पढ़िए। तो आज हम लोग झारखंड का इतिहास पढ़ने के लिए जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि यह जेपीएससी का जो सिलेबस है उसमें एक महत्वपूर्ण पेपर है, पेपर टू, और उसी के अंतर्गत इसका हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो है आपका झारखंड का प्राचीन इतिहास है, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? पहला, झारखंड में आदिवासियों या जनजातियों का प्रवेश कब हुआ? ठीक है, दूसरा, वैदिक काल में झारखंड, फिर महाभारत काल में झारखंड, फिर मगध साम्राज्य के दौरान झारखंड, फिर झारखंड और बौद्ध धर्म, फिर झारखंड और जैन धर्म, फिर मौर्य काल में झारखंड, मौर्योत्तर काल में झारखंड, गुप्त काल में झारखंड, गुप्तोत्तर काल में झारखंड, और फिर झारखंड में प्राचीन व स्थानीय क्षेत्रीय राजवंशों का उदय। ये हम लोग झारखंड के प्राचीन इतिहास में पढ़ेंगे। फिर हम लोग इसके अंतर्गत हैं जो स्थानीय राजवंशों का उदय हुआ, क्षेत्रीय राजवंशों का उदय हुआ, उनमें कौन कौन महत्वपूर्ण थे उनके बारे में भी जानकारी हमें रखना जरूरी है। उसमें कौन कौन थे? पहला था छोटा नागपुर खास का नागवंश, दूसरा पलामू का रक्सेल वंश,
तीसरा सिंहभूम का सिंहवंश, चौथा जो है वो आपका पलामू का ही चेरो खरवार वंश, फिर मानभूम का मानवंश, रामगढ़ राज, खड़गडीहा राज, पंचेत राज और ढालभूम का ढाल वंश जो कि सिंहभूम में था। तो इन राजवंशों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर मध्यकाल में झारखंड का अध्ययन हम लोग करेंगे, तो मध्यकाल में कौन कौन सा टॉपिक्स होगा सीक्वेंस में, पहला होगा पूर्व मध्यकाल में झारखंड, फिर सल्तनत काल में झारखंड, फिर सल्तनत काल के बाद मुगल काल में झारखंड, फिर उत्तर मुगल काल में झारखंड, फिर उत्तर मुगल कालीन शासक और झारखंड के क्षेत्रीय राजवंशों के बीच संबंध कैसा रहा उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, और अंत में झारखंड का आधुनिक इतिहास, आधुनिक काल में झारखंड। इसमें दो महत्वपूर्ण टॉपिक है, पहला झारखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश और दूसरा झारखंड के प्रमुख विद्रोह तथा जनजातीय आंदोलन। जब झारखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी आई, लोगों को यहाँ तबाह किया गया, लोगों को सताया गया, अनेक प्रकार से प्रताड़ित किया गया, तब विभिन्न आंदोलन और जनजातीय आंदोलनों का उदय हुआ जिसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो ये सीक्वेंस हुआ झारखंड का प्राचीन या झारखंड का जो इतिहास है उसका सामान्य परिचय के अंतर्गत इसको अध्ययन करना है, उसको जानना है। आप सिलेबस का अध्ययन करेंगे तो सिलेबस का संबंध जो है सो इतिहास से और भूगोल से, इतिहास और स्थान, भूगोल का मतलब स्थान, इतिहास और स्थान से बहुत बड़ा नाता होता है। जब आप इसको जानेंगे तभी आपके अंदर कंसेप्ट आएगा, ठीक है? तो उस कंसेप्ट को हम लोग डेवलप करने का प्रयास करेंगे इसी के माध्यम से। तो यहाँ पर मैंने झारखंड का मानचित्र बनाया है और इस मानचित्र के माध्यम से आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे कि जो ऐतिहासिक स्थान है वो वर्तमान में जो जो हमारा भूगोल है झारखंड का, उसके संदर्भ में उससे तालमेल बिठा करके हम लोग अध्ययन करेंगे और उसके द्वारा समझने का प्रयास करेंगे स्थानों को और इतिहास को, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए तीन चार चीज़ों को जानना बहुत जरूरी है। एक तो प्राचीन राजवंश है ना, और दूसरा अभी वर्तमान में जो हमारे पास जिले हैं या जो हमारा प्रशासनिक क्षेत्र है उससे तालमेल बिठाना, और तीसरा जो हमारा भूगोल के अंतर्गत जो हमारा अपवाह क्षेत्र है, जो नदियाँ हैं उन नदियों के बारे में जानना, क्योंकि प्राचीन सभ्यताएं या फिर जो बस्तियां बसी वो कहाँ बसते थे, नदियों के किनारे, किसी जलाशय के किनारे, या तो समुद्र के किनारे या किसी बड़ा पोखर तालाब या झील के किनारे या फिर नदियों के किनारे। आप देखे होंगे जितने बड़े नगर हैं या बस्तियों का बसावट है वो जलाशय के नज़दीक ही होते हैं। तो इसका अध्ययन हमको करना बहुत ही जरूरी है। झारखंड का भूगोल में तो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भाई झारखंड का मतलब ही होता है क्या, झाड़ होता है, झाड़ जोड़ खंड, तो झाड़ का मतलब वन और खंड मतलब प्रदेश, तो वन प्रदेश झारखंड शुरू से रहा है। दूसरी बात है यहाँ की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, तो जलवायु के कारण यहाँ का जो वनस्पतियों का जो डेवलपमेंट हुआ है, साथ ही साथ जो प्रवाह और यहाँ का जो उच्चावच है उसके कारण यहाँ पर जो है सो विभिन्न नदी प्रणालियों का, नदी बेसिनों का डेवलपमेंट हुआ है, और वही यहाँ पर बस्तियों के विकास में महत्वपूर्ण और सहायक सिद्ध हुआ और आगे चलकर अनेक राजवंशों का उदय यहाँ पर हुआ था। तो वर्तमान में हम लोग जाएंगे, सबसे पहले देखिए अभी वर्तमान में झारखंड में कितने जिले हैं, 24 जिले हैं। आप सभी को मालूम है 24 जिले जो हैं कहाँ कहाँ है, उसका लोकेशन आपको मालूम होना चाहिए, और 24 जिलों का, 24 जिला का नाम भी आपको जो है सो दिमाग में रखना है। जब तक आप नहीं रखेंगे आप समझ लीजिए कि जेपीएससी पास करने वाले नहीं, पास करना है तो इसको ध्यान में रखना है, ठीक है? आप यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम झारखंड का जो चौहद्दी अगल बगल के जो राज्य हैं उसको हम लोग देखेंगे। पूरब में पश्चिम बंगाल है, पूरब में पश्चिम बंगाल है, उत्तर में बिहार है, उत्तर पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, पश्चिम में छत्तीसगढ़ है, दक्षिण में उड़ीसा है। पश्चिम बंगाल से झारखंड के 10 जिलों का सीमा लगता है, बिहार से भी झारखंड के 10 राज्यों का सीमा, सॉरी 10 जिलों का सीमा लगता है, उत्तर प्रदेश से गढ़वा एकमात्र जिला है जिसका सीमा लगता है, छत्तीसगढ़ से 4 जिलों का सीमा लगता है झारखंड के, और उड़ीसा से भी 4 जिलों का सीमा जो है सो झारखंड के 4 जिलों का सीमा उड़ीसा से लगता है। तो इन जिलों का नाम हम लोग याद करेंगे कि उड़ीसा से कौन कौन सा, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और पूर्वी
पूर्वी सिंहभूम, ये चार जिलों का जो है सीमा लगता है। पश्चिम बंगाल से किसका सीमा लगता है? तो पूर्वी सिंहभूम का लगता है, खराई से लसरकाम खरसावां का लगता है, रांची, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, दुमका, पाकुड़, साहेबगंज। बिहार से किन जिलों का लगता है सीमा? तो साहेबगंज, गोड्डा, दुमका, देवघर, गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग, चतरा, पलामू और गढ़वा। छत्तीसगढ़ से किसका लगता है? तो गढ़वा का, लातेहार का, गुमला का, सिमडेगा का, और उत्तर प्रदेश से आपका गढ़वा का लगता है। तो ये हम लोग जान गए कि कौन कौन सा जो पांच, 1, 2, 3, 4, 5 राज्य हैं उनसे कौन कौन से जिलों का जो है सीमा लगता है। दो जिले ऐसे हैं झारखंड का जिसका सीमा किसी भी राज्य से नहीं लगता है, एक खूंटी और दूसरा लोहरदगा। तो इसको याद रखें, इसको हम लोग लैंड लॉक जिला भी बोल सकते हैं। अब जिलों को हम लोग कैसे याद रखेंगे? ठीक है, यहाँ पर मैंने ट्रिक्स दिया है। यहाँ पर जो है सो उत्तर पश्चिम का जो है आपका जिला जो है, ये पांच जिले, इसके लिए ट्रिक्स है। एलपीजी गैस लोगे, एलपीजी गैस लोगे, तो एल लातेहार, पी आपका पलामू, जी गढ़वा, गैस गुमला, लोगे लोहरदगा। पांच जिला हो गया, पांच जिलों का नाम आप यहां से याद रखेंगे। और ये एस फॉर उड़ीसा, फॉर का मतलब चार, एस लेटर से शुरू हो रहा है नाम। सिमडेगा, सिंहभूम, सिंहभूम तो वेस्ट सिंहभूम और ईस्ट सिंहभूम, और एक सरायकला खरसावां, तो सरायकला याद रखिए। तो चार एस है, ये चार राज्यों का आप जिलों का नाम याद रखिएगा जिसका सीमा उड़ीसा से भी लगता है चारों का, और चारों का नाम एस से शुरू हो रहा है। अब यहाँ पर आ जाइए, यहाँ से हमारा राजधानी से उपराजधानी तक सात जिले हैं। ठीक है, एक खूंटी हो गया, रांची हो गया, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, दुमका। इसके लिए है खुर्रम बेटा डीजे पर डांस करो। खुर्रम, खुर्रम आप जान रहे हैं मुगल कालीन बादशाह का नाम है। तो खुर्रम, खू से हो गया खूंटी, आर से रांची, राम से रामगढ़, बेटा से बोकारो, डी से धनबाद, जे से जामताड़ा, आर डांस से दुमका। तो खुर्रम बेटा डीजे पर डांस करो, ये सात जिले। तीन जिले एसपीजी, एसपीजी याद रखिएगा, ये जो है सो उत्तर पूर्व में है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में, पाकुड़, साहेबगंज और गोड्डा। ठीक है, इसको याद रखेंगे, तीन जिला आपको याद रहेगा। अब यहाँ पांच जिले जो हैं, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, यहाँ याद रखिएगा, चहको गणेश देवघर, चहको गणेश देवघर में, चहको चहकना। तो चहको गणेश, च से चतरा हो गया, ह से हजारीबाग हो गया, खो से कोडरमा हो गया, और ग से गणेश से गिरिडीह हो गया, और देवघर में चहकेगा, तो चहको गणेश देवघर में। तो इस तरह से 24 जिला आप याद रख सकते हैं। अब इन 24 जिला का जो लोकेशन है उसको हम लोग देखेंगे, यहाँ जो हमारा प्राचीन राजवंश था उससे हम लोग जानने और समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो प्राचीन राजवंश तीन महत्वपूर्ण थे, छोटा नागपुर खासकर नागवंश, दूसरा सिंहभूम का सिंहवंश, और तीसरा पलामू का रक्षेल वंश, और फिर अन्य छोटे छोटे क्षेत्रीय राजवंशों का उदय हुआ। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए, रक्षेलों को आप दस्त करके चेरोल, चेरो जो है सो चेरो राज यहाँ पर स्थापित हुआ था, रक्सेल और चेरो यहाँ पलामू क्षेत्र में। छोटा नागपुर खास का जो है सो क्षेत्र देखिए, यहाँ इस एरिया में आप जिला का लोकेशन यहाँ से देखेंगे अभी वर्तमान से। फिर यहाँ पर पुरहाट राजा पश्चिमी सिंहभूम में, पूर्वी सिंहभूम में ढालभूम राज था, यहाँ सरायकेला खरसावां में सरायकेला राज था, बीरभूम राज था यहाँ पर। उसके ऊपर में जाएंगे ये धनबाद वाला एरिया, तो मानभूम जिसको हम लोग बोलते थे पंचेत राज यहाँ पर था। ये दामोदर क्षेत्र, दामोदर नदी वाला क्षेत्र जो है रामगढ़ राज, ठीक है, चतरा में केंद्रीय राज, और चौपारण में चाई राज, और देवघर से पश्चिम में जो है सो खड़ग बिहार राज था। इसके बाद ये प्राचीन काल के राजवंशों का, यहाँ तक आप लोग खड़ग बिहार तक दिमाग में रखने का प्रयास करेंगे। इसके बाद राजमहल क्षेत्र आ जाता है, ठीक है, ये सब राजमहल क्षेत्र में आता था। तो ये जो छोटे छोटे राजवंश थे, और भी छोटे छोटे राजवंश थे, यहाँ पर महत्वपूर्ण को हम दिखाने का प्रयास किए हैं, और इतना कम से कम आप लोग दिमाग में रखें, प्रश्न जनरली यहीं से उठाए जाते हैं। और इन राजवंशों का जो डेवलपमेंट हुआ था वो झारखंड के भूगोल में हुआ था, और यहाँ पर नदी बेसिन को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि नदी घाटी क्षेत्रों में ही इन राजवंशों का जनरली, इनका जो है सो जो बसावट हुआ था उन्हीं के कारण से हुआ था, क्योंकि
क्योंकि संपदा जो है सो भूगोल से ही मिलता है, संसाधन भूगोल से मिलते हैं। जितने वंशों का उदय हुआ या फिर जो हम लोग शासन करते हैं संसाधनों के उपयोग भोग के लिए करते हैं, तो झारखंड संपदा से भरपूर था। और इसमें खास करके यहाँ पर नदी घाटियों के बगल में पानी की उपलब्धता के कारण बस्तियों का बसावट और राजवाड़ों का बसावट महत्वपूर्ण ढंग से हुआ। यहाँ पर जब हम नदी बेसिन को देखते हैं तो महत्वपूर्ण नदी बेसिन, यहाँ मैं अपवाह तंत्र नहीं बतला रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपको इसको ध्यान में रखना है यहाँ पर, इसको जोड़ करके देखने के लिए, तब आपका कंसेप्ट बनेगा। क्योंकि ये एक तरह से आधार बनाने वाला मैं क्लास दे रहा हूँ, और इसका जो जो भी हम यहाँ पर मानचित्र बनाया है इसको ध्यान में आपको रखना बहुत जरूरी है इन चीज़ों को, तब आप पढ़ेंगे तो परमानेंट मेमोरी में जाएगा, कंसेप्ट बनेगा, और चीज़ों को जब आगे याद करेंगे क्षेत्र स्थान को आपको याद करने में दिक्कत या समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए पश्चिम में आते हैं एक नदी है कोयल, ये दो है, एक नॉर्थ कोयल और एक है साउथ कोयल। यहाँ पर देखिए इसका बेसिन क्षेत्र ये है, इसका बेसिन क्षेत्र ये है। इसी के जस्ट पश्चिम में जो है संख नदी का बेसिन क्षेत्र है, नदी का बहाव क्षेत्र भी मैंने दिखाया, बहाव को भी दिखाया। उसके बाद आपका यहाँ पर बगल में आ जाइए तो स्वर्णरेखा नदी बेसिन है, इसके बगल में खरकई नदी बेसिन है जो कि इसका सहायक नदी है। फिर इसके ऊपर में देखिए दामोदर नदी बेसिन बहुत बड़ा क्षेत्र है, और इसका सहायक बराकर नदी बेसिन इसका अलग है, इसकी आकर के यहाँ पर सहायक नदी है बराकर, दामोदर का अनेक सहायक नदी है, उसके बारे में मैं बतलाऊंगा जब आपा क्षेत्र का क्लास लेंगे। यहाँ पर पुनपुन नदी बेसिन का क्षेत्र है, यहाँ अजय नदी घाट जो देवघर वाला एरिया है वहाँ पर अजय नदी बेसिन, यहाँ पर मयूराक्षी इसी को मोल भी बोलते हैं, ये आपका दुमका वाला क्षेत्र में, तो ये राजमहल के क्षेत्र में मयूराक्षी। और उसके बाद गंगा नदी बेसिन है यहाँ पर जो आपका साहेबगंज पाकुड़ वाला जो एरिया है यहाँ पर गंगा नदी का प्रभाव है, तो ये नदी बेसिन क्षेत्र है। और इन नदी बेसिन क्षेत्रों में ही इन प्राचीन राजवंशों का जो है सो गठन हुआ था, उनका उदय हुआ था, और इनका संबंध को आपको यहाँ से जोड़ करके और वर्तमान जिला से जोड़ करके ध्यान में रखना है, तब आपको क्या तब क्या होगा कि आप सही तरीके से सही दिशा में तैयारी को कर पाएंगे। ठीक है, आगे के वीडियो में मैं जो है सो छोटा छोटा वीडियो बना करके इन टॉपिकों को जो है सो मैं समझाने का प्रयास करूँगा, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। लोकेशन को, स्थान को और इन राजवंशों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो में आज इतना ही, और अंत में इस वीडियो को जो मेरा चैनल है उसमें यूट्यूब में आप लोग संतोष राणा क्लासेस करके आप इसको देख सकते हैं, और साथ ही जो है सो मेरा जो चैनल है उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, तो मैं आगे और भी सुधार करके आप लोगों को बतलाऊंगा। और मुझे लगता है कि ये वीडियो आप लोगों की तैयारी में एक तरह से मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि सही दिशा में तैयारी होना बहुत ज़रूरी है, एक सीक्वेंस